सो वेलकम टू माई चैनल अकेडमी विला, आई एम आशुतोष एंड लेट्स बिगिन टुडेज़ क्लास। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 7 की इंग्लिश की जो बुक है और उसका चैप्टर 6 जो है जिसका नाम है इवान, उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले वार्मर पढ़ के। तो वार्मर में लिखा है, डू यू एवर फाइंड पीपल क्वेरलिंग इन योर नेबरहुड। क्वेरलिंग का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई करना, या और नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस में। यानी कि पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी ऐसे लोगों को अपने पड़ोस में लड़ते हुए देखा है। फिर व्हाट डू पीपल क्वेरल ओवर, और अगर आपने देखा है तो वो लोग किस बात पे लड़ रहे थे। हाउ डू दिस क्वेरल्स अफेक्ट योर लाइफ, और ये जो लड़ाइयाँ होती हैं आपके पड़ोस में उसकी वजह से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। हाउ आर दिस क्वेरल्स रिजॉल्व्ड फाइनली, यानी कि उसके बाद से अंत में ये जो झगड़े हैं वो कैसे सुलह होते हैं उनकी, यानी कि कैसे एंड होते हैं, कैसे वो ख़त्म होते हैं। तो चलिए अपनी कहानी पढ़ते हैं इवान के बारे में। चलिए, लिखा है, इवान वॉज ए फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रशिया। रशिया एक देश है, वहाँ के गाँव में है ना, इवान नाम का एक किसान रहा करता था। He was rich, वो बहुत ही अमीर था। He had three sons who were laborious. Laborious मतलब काम काज करने वाले, मेहनती इंसान। तो उसके तीन बेटे थे और वो बहुत ही मेहनती थे। His father was old and sick. उसका पिता बहुत ही बूढ़ा था और साथ ही बीमार भी रहता था। Gabriel was his neighbor. Gabriel जो था ना, उनका पड़ोसी था। They were good neighbors. वे लोग अच्छे मित्र मतलब पड़ोसी थे। They were happy and comfortable with each other. Happy मतलब खुश, comfortable मतलब आरामदायक। मतलब वे लोग एक दूसरे से बहुत खुश रहा करते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, वो एक दूसरे के साथ comfortable फील करते थे, है ना। Ivan had some hens. Ivan के पास कुछ मुर्गियाँ थीं। One day a hen flew across the fence. फेंस का मतलब पहले बता दूं, फेंस का मतलब होता है बेड़ा बंदी। जैसे कि आपके घर के बाहर जो चार दीवारी होती है, या फिर आप वायर से अगर जो आपकी बाउंड्री करी जाती है ना, वो कांटे वाले वायर जो होते हैं उनसे घेरा किया जाता है, उसको फेंसिंग कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि इवान के पास कुछ मुर्गियाँ थी। वन डे हैन फ्लू अक्रॉस द फेंस, और एक दिन एक मुर्गी जो थी उसी फेंस के तरफ, यानी कि उसी बाड़े के तरफ जा रही थी, उड़ गई, मतलब उधर उससे उड़ के चली गई। सी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस, मतलब वो जो मुर्गी है वो बाड़े को, फेंसिंग को पार करके उधर गैब्रियल के घर की तरफ चली गई थी, और उसने एक अंडा गैब्रियल के घर के तरफ दे दिया, घर में दे दिया। इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इन टू द मैटर। तो इवान का जो दामाद था, है ना, डॉटर इन लॉ का मतलब दामाद, वो उसके घर में, गैब्रियल के घर गया टू इंक्वायर इनटू द मैटर। मैटर मतलब जो बात हुई थी उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए, है ना। गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड र्यूडली, यानी कि बर्बरता से, क्रूरता के साथ, र्यूडली मतलब है ना, अच्छे से पेश नहीं आना। तो गैब्रियल की जो माँ थी ना, वह मतलब बहुत र्यूडली बिहेव किया उसने, है ना। फिर लिखा है कि इट लेड टू ए क्वेरल, और इसकी वजह से उसने जब र्यूडली बिहेव किया तो ये चीज़ एक लड़ाई में तब्दील हो गई, बदल गई। सून मतलब बहुत जल्द ही क्या हुआ, इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइव्स स्टार्टेड क्वेरलिंग। देखिए बहुत जल्द ही क्या हुआ कि इवान जो था, उस गैब्रियल जो था और उनकी पत्नियाँ जो थीं वो सभी लड़ने लगे। देयर नेबर्स हैड टू इंटरवीन टू पेसीफाई देम, मतलब अब और भी जो पड़ोसी उनके आसपास के थे उन लोगों को उसमें इंटरवीन करना पड़ा, मतलब हस्तक्षेप करना पड़ा, यानी कि अंदर आना पड़ा बात को, मामले को सलटाने के लिए। टू पेसीफाई देम मतलब, पेसीफाई मतलब शांत कराने के लिए। फिर क्या हुआ, बट देयर क्वेरल डिड नॉट स्टॉप, लेकिन उनकी जो लड़ाई थी वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, यानी कि इवान ने गैब्रियल की बियर्ड यानी कि दाढ़ी नोच ली, खींच ली, है ना, उखाड़ ली, कुछ भी कह लीजिए। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस बट इवान वेंट देयर बाय ट्रेन।
अब देखिए, यह बात यहाँ तक बढ़ गई कि वो लोग कोर्ट पहुँच गए और बोला जा रहा है कि गैब्रियल जो था कोर्ट जाने के लिए उसने बस का प्रयोग किया और इवान तो ट्रेन से पहुँच गया वहाँ पे, है ना। दे आगे लिखा है, दे बोथ फाइल्ड अ केस, दोनों ने एक केस दायर करा, यानी कि दोनों ने एक दूसरे पे केस किया। द हियरिंग प्रोलॉन्ग, यानी कि हियरिंग मतलब सुनवाई, तो प्रोलॉन्ग मतलब बहुत समय तक चली, है ना। जो सुनवाई थी वो बहुत सालों तक चली। इट रियून्ड देम फाइनेंशियली, वो तो पहले धनी थे ना, लेकिन रियून मतलब बर्बाद कर देना, तबाह कर देना। ये जो केस बहुत समय तक चला ना, इसने उन दोनों को फाइनेंशियली, है ना, फाइनेंशियली का मतलब होता है पैसों से, पैसों से, पैसों के मामले में उन्हें तबाह कर दिया। उनके पैसे बहुत लग गए इस केस के चक्कर में। दे हैड नो पीस, उनके पास कोई शांति नाम की चीज़ नहीं थी। दे वेर नॉट हैप्पी नाउ, पहले जो वो खुश रहा करते थे अब वो नहीं थे, है ना। इवान्स फादर हु वॉज ओल्ड एंड वाइज डिड नॉट लाइक इट, इवान के जो पिता थे ना, जो कि बहुत बूढ़े और बुद्धिमान थे, वह इस बात को बिल्कुल ही नहीं पसंद करते थे कि ये लड़ाई हो। ही आस्क देम टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, उन्होंने, यानी इवान के जो पिता थे, उन्होंने एक दूसरे को क्षमा करने की बात बोली। फॉरगिव मतलब क्षमा दे, क्षमा कर देना, एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब मामला, है ना। और उन्होंने बोला पुराने मसले को, पुराने मामले को भूल जाओ, फॉरगेट कर दो। ऐसा किसने बोला? इवान के पिता ने बोला। ही आस्क्ड देम वाई आर यू क्वेरलिंग ओवर एन एग, उन्होंने पूछा, है ना, तो इवान के पिता ने पूछा उन दोनों से, दोनों पड़ोसी से, इवान और गैब्रियल से, कि आखिर तुम एक अंडे के पीछे क्यों लड़ाई कर रहे हो? व्हाट्स इट्स वैल्यू, इसकी क्या मतलब कीमत है, क्या इसका मतलब है ना, इसका क्या मोल है? हैट्रिड ब्रीड्स हैट्रिड, यानी कि नफरत से नफरत ही पैदा होती है। इन एंगर यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, तुम गुस्से में, एंगर मतलब गुस्से में, तुम्हें पता नहीं है तुम लोग क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो। यू लूज योर पेशेंस एंड विजडम, पेशेंस मतलब धैर्य और विजडम मतलब बुद्धिमानी। और कहा जा रहा है कि इवान के पिता बोल रहे थे कि तुम लोग तो अपना बुद्धिमान मतलब बुद्धिमता खो रहे हो और साथ ही साथ धैर्य भी खो रहे हो। इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, और अगर ऐसा होता है कि कोई इंसान अपना धैर्य खो देता है, कोई इंसान अपना बुद्धिमत्ता खो देता है, यानी कि बुद्धिमानी उसकी चली जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है, ये तबाही का रूप ले लेती है, ठीक है ना। आगे बोलता है, द ओल्ड मैंस एडवाइस वर्क, जो बूढ़ा इंसान था और मतलब जो इवान के पिता थे, उनकी एडवाइस, उनकी सलाह जो थी काम कर गई। इवान एंड गैब्रियल वेयर रिकॉन्साइल्ड, यानी कि इवान और जो गैब्रियल थे वो रिकनसाइल्ड हो गए, यानी कि उनका मेल मिलाप हो गया। रिकनसाइल मतलब मेल मिलाप हो जाना। दे बिगिन टू लिव टुगेदर इन पीस वंस अगेन, यानी कि अब वो फिर से एक साथ, है ना, शांति के साथ रहने लगे। दे वेयर वेरी हैप्पी नाउ, और वो अब बहुत ही खुश रहा करते थे। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।